Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum viewers, I'm Hina Suhail and you are watching my YouTube channel Hina Seven Mera Ghar Meri Jannat Mein. Aap sabko khush aamdeed. To viewers, aaj ki is video mein main aapke liye lekar aayi hu aapke dher sare keemti sawalat ke jawabat jo aapne meri viral hui bhi videos ko bahut pasand kiya. Sabse pehle main aapka shukriya ada karungi ki bahut bahut shukriya jo aapne meri video ko itna pasand kiya, like kiya aur comment kiya. To ab aap mera kaam hai aapke un sab कीमती सवालों का जवाब देना, तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपके कीमती सवालों के जवाब देना. तो चलिए आइए देखते हैं कि आज कौन से सवाल हैं. और हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इसके बिजली के बिल को लेकर परेशान हैं तो बिल्कुल मत होइएगा परेशान, क्योंकि मैं इस वॉशिंग मशीन को पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिजली के बिल में कोई परेशानी नहीं हुई है. इवन कि हमारा, यकीन करें कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉश करने पड़ते हैं. मेरे हस्बैंड्स के तो अलग जो है कपड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस के अलग होते हैं, कैजुअल वेयरिंग उनके घर के कपड़े अलग होते हैं, और हम फीमेल्स की भी जाहिर सी बात है उसी हिसाब से कपड़े होते हैं, बाहर जाने के अलग हैं, घर में पहनने के अलग हैं, तो इस हिसाब से कपड़े सबके ज़्यादा हो जाते हैं. तो आप क्या करें, आप अपना एक डे बना लें, डेली ना चलाएं मशीन को, आप वीक में एक दफ़ा बना लें कि वीक में एक दफ़ा मैंने इस दिन कपड़े धोने हैं. तो इस तरह से होगा ये कि आप महीने में 4 दफ़ा कपड़े धोएंगे, इसका तो इस तरह से आपका सर्फ भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और इंशाल्लाह बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा. अगर आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो आपका बिल वगैरह सब बच जाएगा. और अगर आप चाहें तो इसी को आप महीने में 10 दिन भी कर सकते हैं, यानी कि जहां आप एक हफ़्ता कर रहे हैं तो आप 10 दिन भी कर सकते हैं, 10-10 दिन करके आप अपने कपड़े वॉश कर लें तो भी आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपने बहुत अच्छे से जो है सुना होगा, और आपको उम्मीद है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी डाउट था आपको वो दूर हो गया होगा. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है आप उनको मेरी वीडियो रिकमेंडेड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. व्यूअर्स, आपका ये प्यार और मोटिवेशन ही है जो इसकी वजह से मैं और मोटिवेट होती हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो से अपडेट रहें. वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.